ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सारना जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी ही मेरी बाणी ही गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे परम सत्कार योग चवर छत्र दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे हो वड़े भागां वाले हो सतगुरां दे चरणां विच जुड़ बैठे हो धन साहिब श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी तिना दे बंदी छोड़ दिवस नूं मुख रखते हैं खालसा ग्रुप के समूह वीरां दे उपराला सदका समूह प्रबंधक कमेटी का उपराला सदका यह समागम उचेचे तौर पर हर 10 साल की तरह उलीकिया गया है। वीर गुरविंदर सिंह जी पासों आप जी गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सो ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे ऐसे गुरु तो बलिहार जाना चाहिए सदके जाना चाहिए जेड़ा गुरु आप मुक्त है ते होरा नू भी तार लैंदा है। गुरु साहिब कोल पुछिए सतगुरु जी किन्नी कु वारी वारे जाइए महीने बाद हफ्ते बाद हर रोज किन्नी कु वारी वारे वारे जाना चाहिए है सतगुरां तों ते गुरु साहिब कहिंदे ने जे वारे ही जाना है ते गुरु साहिब जी दी आसा की वार दे राही साडे ते बख्शिश करके समझाउंदे ने बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सत वार जे अपने गुरु तो बलिहार जाना है ते दिहाड़ी दे विच 100 वारी वारे जाओ हर वेले उसनू याद करो उस प्रभु परमात्मा दियां दित्तियां होईयां दातां दा शुकराना करन दा वल सानू तां आएगा जदों असीं गुरु साहिब जी दे बचना अनुसार अपना जीवन बतीत करांगे। धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो बलिहार जांदे होए आप जी सतगुरां दे चरणां विच जुड़ बैठे हो सत्कार योग वीर जी दास नूं हुक्म कर रहे सन कि बंदी छोड़ दिवस ते आपां विचार करिए कि बंदी छोड़ दिवस की है। कई वीरां नूं इस गल दा नहीं पता कि बंदी छोड़ दिवस दा दिहाड़ा किहड़ा दिहाड़ा है। मैं आप जी नूं बेनती करां सिख इतिहास दे विच जिथे धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इस धर्म की नींह रखी उथे धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी ने अपने प्रेम अते सेवा दे नाल इस दे विच होर प्रचार किया है। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी इस धर्म दे विच गुरु नानक देव जी दे पाए हुए पूर्णिया नूं होर अगे वधाउंदे ने पर पापी भगत ना भावई पापियां नूं भगती चंगी नहीं लगदी उन्हां ने धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कर दिता तत्ती तवी ते बिठाया गया सिर दे विच गर्म रेत पाई गई देग दे विच उबालिया गया इस करके कि इस गुरु नानक देव जी दे घर नूं ठल पाई जा सके
पर उन्हां नूं नहीं सी पता कि जेड़ा वो कर्म करन लगे ने उस तो कम ते उल्टी हो चले आए। इत्थे ते उन्होंने सोचा सी भी गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद कराउण तो बाद किसे दी हिम्मत नहीं पैणी अगे आउण दी। पर धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरभारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुरु गद्दी दे मालक होए ने। गुरु साहिब जी ने हुक्म किया है कि प्यार दे नाल नहीं हुण शमशीर दे नाल इन्हां जालमां दे नाल नजिठिया जाएगा। ते गुरु साहिब जी ने हरेक सिख नूं हुक्म किया कि हरेक सिख घुड़सवारी करे, हरेक सिख शस्त्रधारी होए, हरेक सिख कसरत करे कि जिस नाल शरीर उन्हां दा सुडोल हो सके ते दुश्मन दे नाल लड़िया जा सके। ये गल्लां जहांगीर तक पहुंचनिया शुरू हो गई। पता लग्या कि पंजाब दे विच जिस तरह गुरु साहिब जी अपने सेवकां सिखां नूं सिख्या दे रहे ने उस अनुसार ते हो सकदा पंजाब साडे हथों ही निकल जाए। इत्थे दा मालवा ना आ सके, इत्थे दी धन दौलत जिहड़ा है ओह ना पहुंच सके साडे कोल। तो उन्होंने कहा भी किसे तरीके दे नाल धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कैद कर लईए। तो गुरु साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले विखे बुलाया गया। ते जदों गुरु साहिब जी नूं लैण आए ने ते उस वेले गिरफ्तार करन लग्गिया एक गल कही गई। जदों संगतां ने पुछिया भी क्यों लै चले हो सतगुरां नूं, ते कहन लगे कि गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद जदों कीता गया सी उस तों पहले उन्हां ते कुछ जुर्माना लगा सी ते बादशाह ने हरगोबिंद साहिब जी दे नाल गल करनी है कि साडा जुर्माना अजे तक पहुंचया नहीं। हालांकि संगतां नूं पता सी कि गुरु साहिब जी ते कोई जुर्माना नहीं लगा, वो झूठ बोल रहे ने, पर नाल लैके चले गए। आगरे हुंदे होए गुरु साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता गया। ग्वालियर दे किले विच कैद क्यों किया गया? क्योंकि जिस तरह ये संगतां नूं उपदेश कर रहे सन उस तरह औरंगशीमा करना जहांगीर नूं महसूस होण लग पिया सी कि हो सकदा पंजाब मेरे हथों निकल जाए। तो खैर गल की बनी कि गुरु साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता। हुण ग्वालियर दे किले दा नक्शा मैं आप जी नाल बेनती करां भी उत्थे दा माहौल किदां दा सी। आम करके उस कैद दे विच लोग चले ते जाया करदे सन पर उस दे विचों कोई रिहा नहीं सी हुंदा। जेड़ा उत्थे जांदा सी उत्थे उसकी मौत हो जाया करदी सी। ग्वालियर दे किले दे विच जिस तरह रोटी दित्ती जांदी सी, प्रशादा दित्ता जांदा सी, उसे तरह कैदियां नूं एक समय वास्ते कुछ देर दे लई धुप या चानण देखण नूं दित्ता जांदा सी। बड़ी कोशिश कीती गई उत्थे भी किसे ना किसे तरीके नाल कैदियां नूं रिहा किया जा सके, पर कोई रिहा नहीं सी होया। उस वेले इतिहास दसदा है कि 52 राजे जिहड़े सन उह कैद विच सन। उन्होंने सोचा भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी जदों कैद विच जाणगे उस वेले गुरु साहिब जी भी हिम्मत हार जाणगे, पर गुरु साहिब जी जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। उन्हां नूं नहीं सी पता कि ये कैद भी एक धर्मशाला बन जाएगी। गुरु साहिब जी ने उत्थे तरवासा दिता कि जीवन जिहड़ा है वह सदा रहने वाला नहीं, मौत सच्चाई है ते मौत तो डरन की लोड़ नहीं। मौत अज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, जिन्ना चिर सवास लैने ने चढ़दी कला विच लैने ने। ते जिहड़ा उत्थे प्रशादा दिता जांदा सी ओह भी कुछ जहर पा के दिता जांदा सी, कच्चा जहर जिसनूं आपां स्लो पॉइजन भी कह लैने आ। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कह दिता मैं प्रशादा नहीं छकना। ते नाल ही नाल गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संगतां नूं गुरु चरणा दे नाल जोड़िया। सवेरे शाम संगत होण लगी, संगतां गुरु चरणा दे नाल जुड़न लगियां। इधर जहांगीर जिहड़ा सी ओह बहुत ज्यादा बीमार हो गया, इत्थे तक कि रात नूं ना सौ सके,
दिन नूं भी चैन नहीं है, दमे दी भी बीमारी हो गई, राती सुता सुता एकदम उठ पैंदा सी, डरन लग जांदा सी। उन्होंने साईं मियां मीर जी नाल गल की, होर कुछ फकीरां नाल गल की कि मैं किस तरह बच सकदा। ते उन्होंने कहा भी तुसां ने उस प्रभु परमात्मा दे सेवक पीर नूं बिना किसे कारण तो कैद किया होया है, हरगोबिंद साहब जी नूं इस कैद दे विचों छड़ दिओगे ते तुहानूं इस बीमारी तो खलासी मिल जाएगी। इस कैद दे विच गुरु साहब जी नूं 12 साल वास्ते रखिया गया सी, जो इतिहास दसदा है, पर अजे 2 साल पूरे नहीं सी होए। जहांगीर नूं अखीर वेले सतगुरां दे पास सुनेहा भेजना पिया भी गुरु साहब जी आप जी नूं इस रिया तों कैद किया जांदा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी पहले ऐसे महापुरश शख्स सन जिन्हां नूं इस कैद दे विचों रिहा करन दी गल होई, नहीं तो अज तक कदी किसी नूं इस कैद दे विचों रिहा नहीं सी कीता गया। धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी तक जदों इह सुनेहा पहुंचिया, उत्थे दे जिहड़े राजे सन उन्हां दी अखां भर आईआं, उन्हां नूं इस तरह महसूस होण लगा ग्वालियर फिर एक तरह दा नरक बन जाएगा, सतगुरां दे आउण करके स्वर्ग बन गया सी, इह बहुत चंगा अस्थान बन गया सी, ते इत्थे सतनाम दी गल हुंदी सी, इत्थे उस अकाल पुरख परमात्मा दे गुणां दी गल होया करदी सी, पर इत्थे फिर हुण उही कुछ हो जाएगा। उन्होंने हिम्मत छड़ दिती। अखीर वेले जदों गुरु साहब जी ने पुछया भी क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो तुसी, ते उस वेले क्या राजिया ने, महाराज तुसी चले हो साडा की बनेगा। गुरु साहब कहने के नहीं, मैं आप इस तरह नहीं जाऊंगा, जे मैं जाऊंगा ते तुहानू नाल लेके जाऊंगा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, गुरु साहब जी आप मुक्त ने, होरां नूं मुक्त कराण दे समर्थ ने, क्योंकि गुरु साहब जी जिथे वड्डे जोधे ने, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी, उत्थे गुरु साहब जी परोपकारी भी ने, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी दे जीवन विचों असीं घटना सरवण करदे हां कि उन्हां दे पोतरे गुरु हर राय साहब जी दे पासों जदों एक फुल टुट गया सी ते गुरु साहब जी ने तां वी कहा सी भी इस तरह चोला संभाल के चलन की लोड़ है, जे शक्ति ताकत मिली गई है ते इस तरह तुसी फुल नहीं तोड़ सकते, ते ना ही किसे दे दिल नूं ही अज तक तोड़ना है। तो गुरु साहब जी ने जिते ए हुकम कीता, उते गुरु साहब जी निम्रता वाले सहज वाले ते बहु जोधा बहु परोपकारी सन, ते गुरु साहब जी ने कहा मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। सतगुरां ने जहांगीर नूं सुनेहा भिजवाया कि जे मैनू तुसीं कैद तो रिहा करना चाहुंदे हो ते इत्थे जिन्ने भी कैदी ने सारिआं नूं रिहा कर दिता जाए। पहले तो जहांगीर ने कह दिता ऐसा नहीं हो सकता, फिर गुरु साहब जी कहिंदे ने आपां वी इन्हां नाल बैठे हाँ। अखीर वेले हार के जहांगीर ने यह कह दिता भी सतगुरु जी तुसीं जा सकते हो, पर तुहाडा लड़ फड़ के एक या दो या जिन्ने जने लंघ सकते ने लंघ जाण। सतगुरां ने कहा ठीक है, हुण लड़ फड़न दा मतलब की होंदा है, उंगल फड़ लैनी, हथ फड़ लैना ते लंघ जाना। गुरु साहब जी ने उस वेले एक चोला सिवाया जिस चोले दियां 52 कलियां सन, गुरु साहब जी ने वह चोला पाया। हरेक राजे ने एक एक कली पकड़ी ते किले तो बाहर हो गए। ये बहुत वड्डा दिन सी अपने आप विच, क्योंकि अज तक इस किले दे विचों कोई रिहा नहीं सी होया। उत्थे लोग गोडे रगड़ रगड़ के मर जाया करते सन, पर उत्थों कदी रिहा ही नहीं सी मिलती, ते ये बहुत वड्डा दिहाड़ा सी, इस करके इस दिहाड़े नूं बंदी छोड़ दिवस करके मनाया जाता है। गुरु साहब जी ही बाहर नहीं सी आए, बल्कि जिथे 52 राजे आए सन वह किसी के बाप भी सन, किसी के बच्चे भी सन, किसी भैन माता के पति भी सन, ते किसी के बच्चे भी सन। इस करके हरेक घर विच खुशी मनाई गई, जिस राज विच उस गए उत्थे खुशियां मनाईयां गईयां, ते धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा शुकर कीता गया, धन्नवाद कीता गया। ए ग्वालियर दे किले दी गाथा है जिथों गुरु साहिब जी बाहर आउंदे ने, 12 साल दी सजा मिली सी पर गुरु साहिब जी 2 सालां विच ही आ गए। कहण तो मतलब ए है कि जिथे गुरु साहिब जी पहुंचदे ने, सतगुरु बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे लाखीणा, गुरु साहब जी जीवन मुक्त करने वाले ने।
इस करके सानू भी चाहिए है कि असी गुरु साहब जी के चरणा के नाल जुड़िए, गुरु की बाणी के नाल जुड़िए। जे गुरु साहब जी उन्हां 52 राजियां नू कैद विचों रिहा कर सकते ने ते असी ते गुरु के सिख हां। गुरु आप तारदा है ते आप तरदा भी है, केती छुट्टी नाल कियां नू तारन दे समर्थ है। तो धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे इस दिहाड़े नू जो आप जी बड़े ही उचेचे तौर ते मना रहे हो, आप जी बड़े भागां वाले हो, समूह खालसा ग्रुप वीरां दे उपराला सदका अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा गोल मार्केट तिन्हां दे उपराला सदका इस समागम रखिया गया है। सो आप जी इसे ही तरह पूरे दीवाना विच जुड़ के बैठोगे, लगभग ये दीवान रात 12 बजे तक चलणगे। आप जी ने इसे ही तरह गुरु साहब जी दीयां खुशियां प्राप्त करनिया ने, विचारां करदियां अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगियां, अंजान बच्चा जान के खिमा कर लेना जी। गुरु फतेह दी सांझ करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।